राइट जाएंगे तो आपको सिलीगुड़ी का रास्ता है, तो सिलीगुड़ी होके ही भूटान जाने का है। रास्ता में पब्लिक लोग जो है गेहूँ सुखा दिया है, इसके पीछे एक जगह जो है आपको पूरा रास्ता ही एक साइड का, मैं तो मेरे राइट साइड का ही रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। बारिश बहुत हो रही है। भूटान जाना था लेकिन भूटान का बॉर्डर क्लोज है। अभी सुबह के आपको 5:15 हो रहे हैं, तो मुझे 4:30 में निकलना था भूटान के लिए, तो इट्स क्वाइट लेट। तो चलिए रास्ता में जो जो आता है मैं आपको दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टाइम से निकल गया हूँ, अब इट्स ऑलरेडी टू लेट, जल्दी मैं पहुँचने का मैं कोशिश करता हूँ। पूर्णिया पहुंचने वाले हैं, बाइक थोड़ा इशू कर रहा है, शायद एयर फिल्टर गंदा हो गया, पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 50-60 किलोमीटर पहले ही तो मैंने सर्विसिंग कराया था, पता नहीं एयर फिल्टर का इशू आ गया। ये पूर्णिया का 0 माइल है, अब यदि आप सीधा स्ट्रेट जाइएगा तो फारबिसगंज जाता है, अब मुझे राइट जाने का है। तो राइट जाएंगे तो आपको सिलीगुड़ी का रास्ता है, तो सिलीगुड़ी होके ही भूटान जाने का है। तो सबसे पहले मुझे फिल्टर का इशू है, फिल्टर बनाया जाए। अभी तो मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं, तो सारा शॉप सब क्लोज है। रास्ता में पब्लिक लोग जो है गेहूँ सुखा दिया है, इसके पीछे एक जगह जो है आपको पूरा रास्ता ही एक साइड का, मैं तो मेरे राइट साइड का ही रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था। अब सिलीगुड़ी जा रहा हूँ, वहाँ से भूटान जाने का है। ये बाइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आपको पिकअप सही से लेने रहा है। मैंने फिल्टर अभी साफ किया, फिल्टर तो फ्रेश ही है, फिर भी पता नहीं। आरी सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड, तो मेरे बाइक में इशू आया था थ्रोटल का, तो शायद कुछ अपडेशन का प्रॉब्लम था, उन लोगों ने अपडेट कर दिया है। आप देखिए, चलता हूँ, भूटान जाना था तो भूटान का कैंसिल करके मैं अब गैंगटॉक जा रहा हूँ। भूटान जाना था लेकिन भूटान का बॉर्डर क्लोज है, तो भूटान नहीं जा रहा हूँ, अब गैंगटॉक जा रहा हूँ सिक्किम। आज गैंगटॉक में रहूँगा, कल नॉर्थ सिक्किम चलूँगा। हैवी ट्रैफिक मैन, ये सिलीगुड़ी का बाजार है, आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी मार्केट, सो हैवी ट्रैफिक। एवरीवेयर इज व्हीकल व्हीकल, गैंगटॉक जा रहा हूँ। भूटान का तो जैसा मैंने बताया पोस्टपोन कर दिया, भूटान का आपको, भूटान का बॉर्डर क्लोज है, तो गैंगटॉक जा रहा हूँ। तो मैं पहले जा चुका हूँ, बाइक से नहीं गया था, मतलब मैं व्हीकल से गया था गैंगटॉक। गैंगटॉक तो मैं जाता रहता हूँ, मेरा फेवरेट स्पॉट है। तो चलिए रास्ता में जो जो आता मैं दिखाता हूँ आपको। It's very, very, very hot. It's very hot. एक small break तो बनता है।
इट्स वेरी लवली व्यू। बहुत देर के बाद आपको अराउंड 300 किलोमीटर के बाद आपको ये जंगल नज़र आया। तो मेरे रोड के दो साइड में आप देख सकते हैं जंगल है। इट्स रियली लवली व्यू। सिक्किम में तो वेदर अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा हॉट है कि मैं बता नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी हॉट। हाइड्रो पावर प्लांट है आगे जो एक मंदिर है, तो बहुत फेमस मंदिर है, मुझे शायद कोई काली का मंदिर है। तो जो भी पब्लिक आते हैं तो इधर गाड़ी रोक के पूजा करते हैं। राइट साइड में एक ब्रिज है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, ये आपको भूटान जाता है, ये जो रास्ता आपको है ये भूटान चला जाएगा। भूटान तो जाना था, बॉर्डर क्लोज है जिसके कारण मैं वापस आ गया इधर। मेरे राइट साइड में आपको टिस्टा रिवर है, शायद कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा होगा, रोकने का जगह है नहीं तो मैं रोक के दिखाता। दिस द वन टिस्टा रिवर, मतलब इसमें आपको बिजली परियोजना भी बनाया गया है, तो ये मेन टिस्टा रिवर है ये। चलिए आगे दिखाते हैं। दिस द टिस्टा रिवर और कुछ दोस्त लोग यहाँ बैठे हुए। लिटल बिट कूल, टेम्परेचर इज लिटल बिट डाउन क्योंकि इधर जंगल ही जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल है, मज़ा आ रहा है। ये पहाड़ी रास्ता है तो आपको एक्सट्रीम टर्न तो होता ही है, बहुत ज़्यादा टर्निंग है, अभी थोड़ा कम हुआ है, अब थोड़ा ऊपर जाने से और भी मिलेगा। Still we are in West Bengal. तिस्ता रिवर ऐसे देखने में इतना लग रहा है लेकिन बहुत गहरा ही है, इसमें ये साइड में है और आपको वो साइड में भी है। चलिए तिस्ता रिवर का आपको ब्रिज भी दिखा देते हैं। It's raining, it's raining. बारिश बहुत हो रही है, मैं स्टॉप किया हूँ, बहुत ही ज़्यादा बारिश है। बारिश के कारण बहुत लंबी जाम हो गई है, मैं काफ़ी देर से इधर खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि हाफ एन आवर हो गई होगी। बारिश तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है गॉड, और जाम भी लगा हुआ है, मैं जस्ट जल्दी से जल्दी ये जाम से निकलना चाहता हूँ, पता नहीं आगे शायद लैंडिंग स्लाइड हुआ हुआ है।
बारिश तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बाइक चलाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि आगे से बहुत सारा गाड़ी आ रहा है और ट्रक सब भी चल रहा है। अब बारिश में तो थोड़ा स्लिप भी बहुत ज़्यादा होता है और ये पहाड़ी रास्ता भी है। मैं जल्दी से जल्दी मैं गैंगटॉक पहुंचना चाहता हूँ। जस्ट आई वांट टू गेट इनसाइड माय होटल रूम एज सून एज पॉसिबल। रानीपुल से निकल गया हूँ। रानीपुल एक प्लेस का नेम है, ये जिस जगह से अभी मैं चल रहा हूँ ये लोकेलिटी का नेम है रानीपुल। रानीपुल से जो आपको गैंगटॉक के अराउंड 6 या 7 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग रानीपुर से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, तो मुझे जल्दी से होटल जाना है और रूम खोज के अंदर चले जाना। आई वॉन्ट टू टेक ए गुड रेस्ट। ऑलमोस्ट हम लोग गैंगटॉक सिटी में इन कर गए हैं। अब मार्केट की तरफ चलते हैं क्योंकि होटल खोजना है और जल्दी से चेकिंग करना है मुझे। भाई रात हो गया और मुझे तो होटल खोजने में मुश्किल ही होगा क्योंकि ये हिल स्टेशन है। मैं इससे पहले मैं बाइक से नहीं आया था तो मुझे पता था होटल किधर किधर है, लेकिन वो सब होटल तो आपको गली सब में है तो मैं उधर तो जा नहीं सकता। तो चलिए मैं अभी अब होटल खोज रहा हूँ और ट्राई करता हूँ कि जल्दी से मुझे होटल मिल जाए। रात में तो गैंगटॉक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, पूरा लाइट जला हुआ है और आपको मतलब मकान सब जो ऊपर नीचे ही रहता है हिल स्टेशन में, और जो लाइट जला हुआ उससे उसके कारण जो आपको बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। मैं 1 आवर से होटल खोज रहा हूँ मुझे, लेकिन होटल नहीं मिल रहा है। मतलब जिस जगह मुझे रूम मिल रही है उधर पार्किंग नहीं है, जिस जगह पार्किंग है उधर आपको रूम अवेलेबल नहीं है। मैं पूरा थक गया हूँ क्योंकि 1 घंटा से ज़्यादा हो गया मैं मार्केट में ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर में घूम ही रहा हूँ। चलिए मैंने एक को फ़ोन किया होटल, वो बोला कि पार्किंग भी है और रूम भी अवेलेबल है। तो मैं आज का वीडियो मैं इधर ही एंडिंग करने जा रहा हूँ। कल मैं मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट करूँगा मेरा राइडिंग। मतलब राइडिंग मीन्स कि मैं सिटी टूर करूँगा, मार्केट गैंगटॉक मार्केट में एक्सप्लोर करूँगा और गैंगटॉक के आसपास का जो भी एरिया है मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लोर करने का। 2-3 साइट सीन भी है। तो चलिए मैं इस वीडियो को इधर ही पूर्ण विराम देने जा रहा हूँ और कल मैं फिर से इसे स्टार्ट करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं कल के राइड में और कुछ मैं नया लेके आता हूं। तब तक के लिए मुझे विदा दें। टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, खुदा हाफिज़।